आज बनाएंगे हम वाटरमेलन पॉप्सिकल्स। ये पॉप्सिकल्स छोटे बड़ों सबके फेवरेट होते हैं, तो चलिए पॉप्सिकल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वाटरमेलन पॉप्सिकल्स के लिए मैंने यहाँ पे हाफ वाटरमेलन लिया है, और जिसके हमने अच्छी तरह से बीज निकाल देने हैं। मेक श्योर कि कोई भी बीज ना रहे, एक दो चलेंगे। और वाटरमेलन जो हो वो थोड़ा रेड कलर का हो, अच्छा निकले अंदर से, क्योंकि कोई कोई वाटरमेलन आपने देखे होंगे वाइट से हल्के रंग के भी होते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करेंगे, तो नेचुरली कलर आएगा। तो सबसे पहले जो वाटरमेलन के पीसेस करे हमने, उसे ग्राइंड कर लेते हैं। एक जूस रेडी करेंगे, तो जो सारे वाटरमेलन है वो इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे हम। अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया हमने। देखिए कलर हमने कोई भी इसमें ऐड करा नहीं है, फिर भी कितना अच्छा कलर आया है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप इसे छान के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट। ग्राइंड करते टाइम आप इसमें ब्लैक सॉल्ट ना ऐड करें, क्योंकि इससे ना थोड़ा, अरे भैया भैया भी कुकर वाले अभी आ रहे हैं। ओके, तो अब इसमें हमने ऐड कर दिया काला नमक, और डालेंगे इसमें हाफ नींबू। इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। पहले भैया को ही जाने देते हैं। पता नहीं, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तभी कोई ना कोई आता है, कभी लहंगे वाला आता है, कभी कुकर वाले भैया आ जाते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। जब हम छान के यूज करते हैं ना वाटरमेलन को, तो जो पॉप्सिकल्स है ना वो मुझे उतना बढ़िया टेस्ट नहीं लगा, मैंने ट्राई करके देखा था। इसलिए आप भी एक बार ऐसे ही बना के देखना बिना छाने, और एक बड़ी सी स्पून की मदद से हम इसे पॉप्सिकल्स के जो स्टैंड है ये इसमें फिल कर देते हैं। और मैंने कुछ वाटरमेलन ऐसे छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके रखे हैं, इसे भी ऐड करती हूँ, मैं डालना भूल गई थी। तो इसके जो चंक्स आते हैं ना वाटरमेलन के, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से हम ऐड करते हैं। अच्छी तरह से फिल कर दिया हमने, और थोड़ा सा जूस बच गया है, इसको आप ठंडा करके पीजिए और आइस क्यूब्स डाल के पीजिए, बहुत ही यम्मी लगेगा। और अब हम इसके लिड लगा देते हैं, जो इसके ढक्कन है स्टिक्स। और इसे आप ओवरनाइट रखिए, या 7 to 8 hours के लिए रखिए। वैसे बेस्ट रिजल्ट इसका ओवरनाइट का ही आता है, और अदरवाइज आप 7 to 8 hours इसे अच्छे फ्रीज़र में, इसे आप फ्रीज़र में फ्रीज करिए, एकदम बढ़िया पॉप्सिकल्स बन के रेडी होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ 7-8 hours के बाद। पॉप्सिकल्स हमारे अच्छी तरह से फ्रीज हो गए हैं, 7 to 8 hours लगे हैं इसमें। तो चलिए इन्हें अब निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और इजीली निकल जाते हैं। और ना निकले तो आप थोड़ा सा पानी में इसे डाल दीजिए स्टैंड को। और ये मैंने एक ट्रे में लिया है आइस, टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आ रहा है।
ये तरबूज का बीज है, इसे हटा देते हैं। इस तरह से आप हेल्थी फ्रूट पॉप्सिकल्स बना के बच्चों को घर में खिला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं आप वाटरमेलन के ही बनाएं, आप सेम प्रोसेस से मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, किसी भी फ्रूट का बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे ना इनको फिर बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे बच्चे फ्रूट्स खाने में ना बहुत आनाकानी करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।